बहुत रिस्क किया। पिंडी ब्याह होना चाहिए था। क्यों? अच्छा तो जे अगे ब्याह हो गया तो फिर बंदा की करे? ऑलरेडी ब्याह हो गया तो फिर बंदा की करे? आहो केड़ा एक जड़ा ओही लिखेदा भी तुसी एक ही कराना, वध भी करा सकते हैं जी गल। सही सही वेखो 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 वेखो। अच्छा सही है सही है। तो लीजिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र हो गया है जी शुरू। और जब हम सफ़र करते हैं, वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते, तो हम बातें करते हैं और बातें आपने सुनी रही हैं। और स्टेडियम से हमने क्रॉस किया है, रावलपिंडी स्टेडियम से ये सड़क हमें इस्लामाबाद लेके जाएगी। और हमने जाना है जी अम्ब्रेला वाटरफॉल। मैंने उसकी वीडियो देखी, बड़ा दिल चाहा बंदा वहाँ पे जाए। तो बड़ी खुशकिस्मती है कि अगर आप सोचते हैं और वो आप कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र और आपकी दुआएं। अब हम जाएंगे अम्ब्रेला यानी छतड़ी वाली वाटरफॉल पे और आपको दिखाएंगे ओपन कैमरे के साथ। ओपन कैमरे के साथ मतलब वाइड एंगल के साथ, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हमारा एडवेंचर बहुत ही शानदार, जानदार और मज़ेदार होने वाला है इंशाल्लाह। शायद मैंने इंट्रो नहीं डाला, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से और भाई मुकरम की तरफ से अस्सलामुअलैकुम। मुकरम भाई अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू थैंक यू। तो मैं हूँ मुदस्सिर सिद्दीक और मेरे साथ हैं मुकरम भाई, यानी मैं हूँ मुदस्सिर सिद्दीक और मेरे साथ हैं मुकरम सलीम भाई। नाम मिलते जुलते हैं, मुदस्सिर सिद्दीक और मुकरम सलीम। एम से और एस, एम एस मुकरम भाई को भी लगता है और मुझे भी, नेम के साथ और सर नेम के साथ एम, और नेम के साथ एम और सर नेम के साथ एस। नॉर्मल स्टील वालों ने कायदे आज़म की फ़ोटो बनाई है और अच्छा सा फ्रेम बनाया है। आगे पाकिस्तान का झंडा है और हवा इतनी ज़्यादा चल नहीं रही। पाकिस्तान का झंडा जो है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे मुल्क का, हमारे वतन का झंडा जो है वो बड़े स्लो मोशन में लहरा रहा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हैं हम इस्लामाबाद की सरजमीन पे और यहाँ की खुली सड़कें कमाल की हैं माशाल्लाह। आप दुनिया के किसी भी बड़े मुल्क, बड़े शहर की जो है मतलब जो अच्छे शहर काउंटिंग में आते हैं उनसे मुआजाना कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट। जी 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 हाँ हाँ माशाल्लाह। टॉप 10 में भी हमारे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का नाम है, दुनिया के जो टॉप 10 है, मुकरम भाई बता रहे हैं खूबसूरती के हवाले से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सही सही सही। फूल माशाल्लाह खिले हुए हैं दरख्तों पे, मौसम बहार अरूज पे है, बहुत ही प्यारे प्यारे फूल खिले हुए हैं। पीछे कुछ दरख्त गुजरे हैं जिनके फूल पत्ते हैं ही नहीं और फूल ही फूल है माशाल्लाह। और माशाल्लाह हम बहुत अच्छे से रोड पे जाने लगे हैं। आज हमने रूट भी चेंज किया है ना हमारा रूट, हाँ हमारा रूट कुदरती तौर पर मुकरम भाई चेंज हो गया। पहले हमने जाना था किस साइड पर, टैक्सला की साइड, टैक्सला की तरफ से हमने जाना था बालाकोट, लेकिन अभी हम इधर से जा रहे हैं। पहले हम जाएंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल और वहां से जाएंगे टैक्सला इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और ये तो बड़ा ठंडा, कसम से सुकून नहीं है थे, मंजी डा के बंदा समय। हालांकि हवा नहीं चल रही लेकिन फिर भी मज़ेदार सी ठंडा, सुकून है सुकून। दरख्तों को वैसे भी देख के ना ज़िंदगी का एहसास होता है, सुकून मिलता है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा। हाँ ऐसे ही ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही, दरख्त घने हैं माशाल्लाह। और रोड ज़बरदस्त जनाब, क्या कहने, आपका डायलॉग है ना क्या कहने,
जी जी खूबसूरती। हाँ जी आगे डायनोसार की 16 किलोमीटर पे पार्क भी एक बनी हुई है यहाँ पे, मेरे ख्याल से ताज़ी ताज़ी फ्रेश बनी हुई है। एक साइड पे ये हमारे पूरा इस्लामाबाद सिटी और दूसरी साइड पे हम ऊपर जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जैसे मुकरम भाई कहते हैं क्या कहना। सिग्नल यहाँ पे ड्रॉप हो गए हैं, हमारी कार जो है वो मुनकता हो गई है। डायनो वैली 14 किलोमीटर। एक दफ़ा यहाँ पे भाई मुबशर, मुकरम भाई, शायद जैन भाई, ये सब हम, हाँ जैन भाई भी थे, हम आए हुए हैं मोनाल पे। तब अभी मुझे ये ख़तरनाक रोड लगता है कि पता नहीं ऐसे कैसे, अभी मैं आपको बताता हूँ ऊपर कितनी बुलंदी है। यहाँ पे 100 मीटर एम लिखा हुआ है, मील या क्या मीटर आगे बुलंदी है। तो ये पहले गियर में मैं जाऊँगा। ये है जी ऐसी कुछ, अल्लाह अकबर। तो मुझे को बहुत डर लगता है, बाइक पे इतना डर नहीं लग रहा, कार पे ज़्यादा लगता है। और कुछ चीज़ें जो है ना कार पे वो नज़र नहीं ना आती, अजीब सा सीन होता है। बाइक पे तो सारा खुला ओपन है। आगे फिर से बुलंदी है, टर्न है ये 50 मीटर एम, मेरे ख्याल से मीटर ही है उसकी बुलंदी, उतनी बुलंदी है। और मुकरम भाई रुकना चाहते हैं यहाँ पे। खैर से भाई मुकरम की जो गोप्रो का ना इंडिक आवाज़ होती है, जब वीडियो ऑन करते हैं तब भी वो आवाज़ करता है, जब ऑफ़ करते हैं तब भी वो आवाज़ करता है। वो पहले आवाज़ नहीं समझ नहीं आती थी, वो मैंने उसकी आवाज़ बढ़ा दी हुई है ना, तो अब मुझे पीछे पता चल रहा होता है कि मुकरम भाई की वीडियो ऑन है कि ऑफ है। टीटी से अभी उन्होंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया है, मैंने कैमरा ऑन किया है साथ ही में, मतलब ऑन कर रहा था तो उनकी टीटी की आवाज़ आ गई है, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त थी ना। और टफ़ रास्ता, टफ़ है जी, हमारे लिए तो टफ़ है, हम मैदानी इलाकों से हैं और गर्मी में इंजन की हिम्मत है क्योंकि गर्म हो जाता है। आगे वेदर अच्छा होगा ना तो वहाँ पर इंजन भी ठंडे रहेंगे, गाड़ियाँ अच्छे से ज़ोर लगा सकती हैं, अपनी लाइन में रहें। वाह ज़िगज़ैग 100 मीटर फिर से आगे, स्टेप स्लोप यूज़ लो गियर। हाँ जी लो गियर में जाएं जनाब, पहले दूसरे में, अभी हम दूसरे में करते हैं 100 मीटर। क्या सिचुएशन है, सही है, दूसरे गियर में आसानी से हमने कर लिया, पहले में ज़्यादा ही बांह हो जाती है गाड़ी, आवाज़ इंजन देना शुरू कर देता है। अभी हम मोनाल पे हैं और मोनाल को हम स्किप करेंगे इंशाल्लाह, हमने जाना है आगे की तरफ। डायनो वैली जो है 7 किलोमीटर अभी भी आगे है, हमारे रास्ते में होगी इंशाल्लाह, अगर खुली होगी तो विज़िट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। और मंकी मन हो गया। ये जी एक बंदर यहाँ पे भी है, कुछ गिरा है किसी का, गिरा ही है ना, अच्छा कुछ गिरा हुआ था, वो खा रहा था और भाग गया अभी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर वैली खुली है, बंद है, कब तक खुलेगी? 2:30 बजे सही हो गया। तो इसकी टिकट क्या है? फ्री है। और बाकी एक्टिविटी अगर करनी हो तो उसकी टिकट है, झूले वगैरह लेने हो तो उसके पैसे, सही हो गया, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा ये है कितना बड़ा, कोई आइडिया है कितना बड़ा है ये? यार उसकी पता नहीं है सर, मैं वैसे काफ़ी बढ़िया है, अंदर से आपने तो देखी है ना? नहीं। ये गाड़ियाँ जो है अंदर घूमने के लिए हैं, अगर बैठ के जाना हो तो इस पे हम जा सकते हैं पैसे दे के, ऐसे ही है कि ये भी फ्री है? वाह माशाल्लाह थैंक यू। और मुकम्मल कपड़े पहन के जाना, ऐसे ही है? अच्छा ये तो नहीं है कि फैमिली जा सकती है और बंदा नहीं जा सकता, कि कोई भी जा सकता है? अंदर फैमिली का हिस्सा अलग से है, सही है, बाकी दूसरी जगह पे तो जा सकते हैं, चलें सही हो गया, सही हो गया, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।
ढाई बजे खुलेगा, ढाई बजे, ढाई बजे, ढाई बजे चलें। ये गाड़ियाँ जी, अगर कोई बैठ के जाना चाहता है, घूमना चाहता है तो उसके लिए, और ये फ्री हैं, ऊपर लेके जाती हैं आपको। उधर से भी एंट्री है, इधर से भी एंट्री है, लेकिन पार्क खुलेगी ढाई बजे। बंद होने का मैंने नहीं पूछा कि कब बंद होगी। खैर रात 10 बजे तक तो खुलेगी। तो डाइनो वैली जो है ये मिस हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, लीजिए जी वो मुकाम आ गया जहाँ से हमने नीचे को जाना है। और ये जिग जाएगा घूम घूम के, घूम घूम के। अल्हम्दुलिल्लाह एक पहाड़ क्रॉस करके हम आए हैं दूसरी जानिब, और ये पहाड़ काटे हुए हैं सड़क बनाने के लिए। और आगे का व्यू माशाल्लाह कमाल का, कमाल का अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ पहाड़ों पे दरख्त हैं, कुछ पहाड़ों पे खाली हैं, कोने मोने। हमारा सफ़र जो है जारी है, वो नीचे सड़क वहाँ पे जाना है हमने। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम सफ़र पे ही हैं। ऊपर से ये दरख्त प्यारे लग रहे थे और नीचे ये पानी बह रहा है। अब पता नहीं ये वो वाटरफॉल जो है उसी का पानी जा रहा है। यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, लग तो यही रहा है कि पानी उधर से इधर जा रहा है। हाँ कुछ ऐसे ही है, पानी उधर से इधर ही जा रहा है। हमारा सफ़र जारी हो सारी। मैं थोड़ी देर के लिए रुका था, मैंने सोचा यहाँ पे रुकने की जगह भी बनी हुई है और पता नहीं ये व्यू मिले या ना मिले आगे। तो अभी करम भाई आ गए हैं, आगे चलते हैं और मज़े करते हैं। तो मेरा आइडिया थोड़ा सा गलत हो गया। मैं कह रहा था पानी इधर को जा रहा है, पानी इधर को जा रहा है। माशाल्लाह ये पुल पुराना है, ऊपर नया पुल बन रहा है। छोटे पुल पे गाड़ी आ सकती है या जा सकती है, ये बड़ा पुल बन गया ना, गाड़ियाँ जो है वो क्रॉस कर सकेंगी। मैं यही कह रहा था कि मुझे लगा ये पानी उधर को जा रहा है, ये पानी इधर को जा रहा है। हाँ जी मुकरम भाई, लोकेशन लगाई है क्या जी? लोकेशन लगी हुई है, सही है। ये दरख्तों का नज़ारा बहुत ही प्यारा माशाल्लाह। और इंटरकॉम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कनेक्ट हो चुका है, लेकिन इंटरकॉम ये ब्लूटूथ की से ही कनेक्ट होता है, तो 10 से 15 मीटर इसकी रेंज है, इससे ज़्यादा नहीं है। और मुकरम भाई रेंज से बाहर हो गए हैं अभी। साथ में कोई ये नदी झरना क्या है वो जा रहा है पानी के लिए, जगह है। और साथ साथ ये रोड जा रहा है, और रोड माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त। और ये अभी डाई में लगे हुए हैं, ये बन रहे हैं, ये पानी आ रहा है ऊपर से कहीं से पहाड़ों का। कितना आगे जाना है? गोरा चौक में जाना है। कितना दूर है, कितने मिनट लगेंगे? आधा घंटा। हाँ चले बैठे, जहाँ तक जाते हैं एक ही सड़क जाती है ना, यही जाती। हाँ बैठे बैठे, बैठ जाएंगे, जगह है। ओके चलें, बिस्मिल्लाह जी। सियालकोट, सियालकोट से आए हैं। गंदम की फसलें लगाई हुई हैं। ये कौन सी जगह? ये बगड़े। ऊपर नीचे घर हैं, फसलें भी, खेत भी ऊपर नीचे हैं। जहाँ जहाँ हुआ वहाँ वहाँ सेट करके गंदम लगाई हुई है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा फ्यूल फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, और मुकरम भाई का भी फुल हो गया। हाँ जी तसल्ली है दोनों? बिल्कुल। अच्छा बहुत अच्छी गल है। अभी मुकरम भाई कह रहे थे जो नेविगेशन हमने इस्तेमाल किया ना, उससे हम दूसरी साइड से आते तो इजी आना था। मैंने कहा फिर एडवेंचर नहीं ना बनना था हमारा, इतना मज़ा नहीं आना था ऊपर नीचे पहाड़ों का, नई जगह भी देखनी चाहिए। हम आए हैं जी मुनाल रोड जो निकलता है ना, उस मेन रोड पर आते आते हम यहाँ पर पहुँच गए हैं। उस मेन रोड पर ही रहे हैं और यहाँ पे पहुँच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे स्टील, हाँ जी हूँ फंडो रोड साफ ने, ये स्टील के मीनार यहाँ पे बनते हैं मस्जिदों के माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं ये, और वो आगे आबादी है। लोकेशन का मुझे नहीं पता कौन सी जगह है,
लेकिन ये सारी नीचे आबादी है, थोड़ा सा मैदानी इलाका टाइप, मतलब थोड़ा थोड़ा मैदानी मैदानी है, बीच बीच में पहाड़ियां हैं और हम यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे थे। अभी हम पहुँचे नहीं, पता नहीं पहुँच पाएंगे कि नहीं। अम्ब्रेला 13 किलोमीटर है, बाकी हम जिस रास्ते से आते हैं ना वो हमेशा गलत रास्ता होता है, लंबे वाला रास्ता होता है, उल्टा रास्ता होता है। लेकिन मुकर्रम भाई कहते हैं, और भी कोई कहता होगा कि किसका मज़ा आता है? एडवेंचर सही है, मज़ा है। हाँ भूल गए हैं, सफ़र का मज़ा है, मंजिल का नहीं। हाँ सफ़र का मज़ा मंजिल का नहीं। तो अभी हम सफ़र का जो मज़ा है वो ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलते हैं वाटरफॉल पे, ड्रोन उड़ाएंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे भी उड़ाते हैं यार। माशाल्लाह वो आबशार हमें मिल गई है, अब वहाँ पे जाना है, कैसे जाना है वो देखते हैं। मुकर्रम भाई के मुताबिक जो है ना अम्ब्रेला जो हमने वाटरफॉल लोकेशन लगाई हुई है वो 2 किलोमीटर मज़ीद आगे है, तो 2 किलोमीटर मज़ीद आगे जाके चेक करते हैं, अदरवाइज़ ये वाटरफॉल तो हमें मिल ही गया है, तो वहाँ पर जाएँगे। रास्ता भी मिल गया कहाँ पर कहाँ से जाना है इंशाल्लाह। वो मच्छर आ गया, ये भाई भी हमें क्रॉस करके आगे गए थे, अब फिर वापस जा रहे हैं। ये सामने लिखा हुआ है अम्ब्रेला आबशार और रेस्टोरेंट है, अब आ गया पीछे। चल सड़क जा रही है नीचे, देख लेते हैं। कादे अपने चाट दो, साढ़ा कोई चाट पड़ा दे लेकिन अब बस हो गई है। अल्लाह अकबर, अरे वाह क्या कहने। लेकिन जाते पैसे पूरे होंगे और ठंड भी लगेगी, जितना पसीना आया हुआ है ना नीचे, बर्फ वाला पानी है हमारे लिए तैयार। और रास्ता कुछ ऐसा है, अगर यहाँ पे ब्रेक्स हमारी फेल हो गई ना तो हम सीधा पानी में पहुँचेंगे और साबित नहीं पहुँचेंगे। ऊपर से पानी थोड़ा सा लग रहा था, देखिए ऐसे ही एक नाली शाली है, लेकिन जब जब पास जैसे जैसे पास जा रहे हैं ना, अल्लाह अकबर, पानी बड़ा होता जा रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। और बच्चे कह रहे थे पानी सर के ऊपर से पानी है, इतना इतना पानी। जिंदाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह जी, कामयाबी के साथ हम कामयाब हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाबी के साथ पहुंच गए और ये पानी ऊपर से आ रहा है, बहुत बारीक मौसलाधार बारिश की तरह नीचे आ रहा है, जैसा आ रहा उधर माशाल्लाह। और ठंडी ठंडी हवा।
बहुत रिस्की है। वीडियो यार ये ड्रोन का मसला है, ये ड्रोन का आ रहा है, इसी वक्त आप लिखो गई अब मेरा अपना अब नहाना पड़ेगा। ठीक हो ना? हाँ फर्स्ट क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। मैं गिरा था, शूज़ पहन के नहीं इधर आना, शूज़ के बगैर ना आना, क्योंकि पानी के साथ ना वो पत्थर जो हैं वो स्लिपी हो गए हैं, नंगे पाँव कुछ नहीं होता। इसी बहाने मेरा नहाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था, लेकिन अब नहाना पड़ेगा क्योंकि मैं भीग चुका हूँ। ये छोटे छोटे जो बारिश हो रही है ना, ये सारा ये देखा है, ये स्लिपी हुआ है इसकी वजह से। सब बकरम भाई आने लगे अब, और ऊपर पानी आ गया। यहाँ पे आज ज़्यादा पानी और ठंडा पानी। शैम्पू है, शैम्पू और है, इसे दें और दी मुंडो भी दें। ये ले ये वीडियो आपके लिए। भाई साहब यहाँ पे नहा रहे हैं, इन्होंने कहा कि फोटोज बनाएं, वीडियोस बनाएं। इन भाई साहब की मैंने फोटो बनाई है, वीडियोस बनाई है। गुड हो गया दसर भाई, बड़े अच्छे हैं, इन्होंने हमें कवरेज दी है, मजा आया। सर आपकी मोहब्बत। अच्छा आप कहाँ से हैं? आपका नाम? चौधरी सैफ अब्दुल्ला गिल। मजा आया यहाँ पे, एंजॉय किया? मजा आ रहा है, फर्स्ट टाइम आए, हमें बहुत अच्छा लगा कि आपके साथ बड़ा मजा आया। अच्छा हमारे व्यूवर्स को क्या कहेंगे, यहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, सबको फैमिली के साथ आना चाहिए। बेसिकली इधर ट्रैवलिंग थोड़ी सी टफ है, क्योंकि सफर वगैरह करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, पर जब बंदा आता है तो फिर बंदे के पैसे पूरे हो जाते हैं। यहाँ पे पैसे पूरे हो जाते हैं, वेल हो गया। ये है जी ऊपर अम्ब्रेला बनी हुई है, इतनी ज्यादा छतरियाँ बनी हुई हैं, जिसकी वजह से ये अम्ब्रेला आबशार वाटरफॉल के नाम से मशहूर है, और इसकी बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है। उसी वीडियोस को हमने देखा, इस्लामाबाद में थे, मैंने कहा यहाँ तो जाना बनता है, मैंने लोकेशन मारी लगाई तो हमारे रास्ते में ये आती थी। हम यहाँ पे पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ठंडा पानी है, इंजॉय कर रहा हूँ, और मैं गिर भी गया हूँ, मेरा ड्रोन पानी में चला गया। अल्लाह करे, मैंने बैटरी शैटरी तो निकाल ली है, इंशाल्लाह बच जाएगा। पंपे भी टांग रही है, क्या हो रहा है? पंपे भी टांग रही है इधर, पंपे और इधर नहीं काँप रही हम सच है काँप रही है। Hello।
वहाँ से जी रस्से के ज़रिए हमें ऊपर जाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहा के ठंडे हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कामयाबी के साथ फिर से ऊपर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये ताज़े ताज़े रबर फेंके हुए, इससे पहले भी थे वो, बहुत बुरी बात है। इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी जगह अल्लाह ताला ने हमें दी हुई है, हमें कदर करनी चाहिए और ऐसा गंद नहीं डालना चाहिए। ये साथ में ऐसे लग रहा है जैसे अनार का, ये अनार के ही दरख्त है, अनार के ही दरख्त है माशाल्लाह। बहुत सारे यहाँ पे अनार के बहुत सारे दरख्त हैं। बस इन चीज़ों से परहेज़ करें, हर जगह कूड़ा क्रिकेट नहीं फेंकना चाहिए, कम से कम अपने बैग शॉपर में वापस उठा के ले जाएं, और ऊपर जगह बनी है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे काइंडली ना फेंके, शुक्रिया। यहाँ से जी हमने ड्रोन उड़ाया था ऊपर, वो आबशार यहाँ से छोटी लग रही थी, ये देखने के लिए कि कैसी है, ड्रोन उड़ाया था। वहाँ पे पहुँचे, अभी आधा सफ़र बाकी है और बस हो गई है। टाइम हो रहा है 5:30 का, तकरीबन 6:30 रोज़ा इफ्तार होगा, हमें जल्दी निकलना होगा यहाँ से, बहुत जल्द। उठे मेरे भाई, मेरे भाई उठे, चलते हैं। माशाल्लाह जी मज़ा आ रहा है। मुश्किल हो रही है लेकिन मुश्किल का भी अपना ही मज़ा है। ये एक छोटा वाटरफॉल है, जब हम रास्ते में आए थे ना तो सबसे पहले हमें ये वाटरफॉल दिखा था, लेकिन जो अम्ब्रेला वाटरफॉल है ना वो इससे आगे है 2 किलोमीटर तकरीबन। ये भी अच्छा है लेकिन वो तो माशाल्लाह क्या कहना। तो अभी हम वापसी के रास्ते पे हैं, तो देखते हैं कहाँ पे अफ्तारी की जगह मिलती है, अफ्तारी करते हैं इंशाल्लाह। अभी आधा घंटा रहता है अफ्तारी में। पीछे काफ़ी ऑफ रोड था, गोप्रो मैंने उतार लिया हुआ है, वहाँ पे एक जगह पे बाइक खड़ी करनी पड़ गई थी क्या, तो वहाँ पे मैंने उतार दिया, नहीं तो शॉट बड़े मज़े के थे, क्योंकि हमने नेविगेशन लगाई, नेविगेशन ने हमें ऑफ रोड पे डाल दिया, और ऑफ रोड पे भी ड्राइव करने का मज़ा आया, लेकिन हमने सोचा नहीं था इस तरह का रास्ता भी हमें मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाद में हमें ये येलो पट्टी है सड़क की दोनों तरफ, इस बहुत ही ज़बरदस्त अब रोड मिला है, अहमदाबाद हम पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। इस रोड पे अब ड्राइव कर रहे हैं ना तो बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ी देर के लिए रुके हैं, पानी शानी पियेंगे और सफ़र को जारी रखेंगे।